वेलकम बैक टू माय चैनल किचन डेलिशियस। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और ये मज़ेदार सी दिखने वाली कबूली। जब घर पे कोई भी सब्जी ना हो तो आप सिर्फ दाल और चावल के साथ इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनती है ये रेसिपी, तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को। कबूली बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चने की दाल ली है। देखिए, ये देखिए, हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इसको धो लेंगे। हमने अच्छे से वॉश कर लिया था चने की दाल को। अब हमने इसको पानी लिया है, उसमें हम इसमें चने की दाल डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। कबूली बनाने के लिए हमें चने की दाल को थोड़ा सा बॉईल करना है। हम इसको ज़्यादा भी बॉईल नहीं करेंगे, हमारी दाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी दाल में हम सिर्फ एक सीटी लगाएंगे, हमें इतना ही बॉईल करना है। ये घुलना नहीं चाहिए, साबुत रहनी चाहिए। लहसुन ले लिया है हमने, इतना लहसुन लिया है। और हमारे पास आज मीडियम साइज़ की प्याज नहीं थी, हमारे पास छोटी प्याज थी, इसलिए हमने इतनी प्याज ले ली है। मसाले के लिए हमने ये प्याज ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, धनिया लिया है और ये सौंफ लिए हमने। अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे इस सब का। फ्रेंड्स, हमने अपनी प्याज वगैरह रफली चॉप्ड करके हमने ग्राइंडर में डाल ली है। अब हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब हम इसमें अपना गरम मसाला डाल देंगे, फिर हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम अपना गरम मसाला डाल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अब हमारा स्प्रिंकल हो जाएगा, थोड़ा चटक जाएगा, तो फिर हम इसमें प्याज डाल के प्याज फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज जब थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें अपना जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। अभी हम इसको फ्राई होने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उसके बाद मिलते हैं जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी। अभी तक हमारी प्याज कच्ची ही है, अभी हमें इसे और फ्राई करने की ज़रूरत है। हमारी प्याज हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आधी प्याज, ये देखिए, आधी प्याज निकाल ली है। अब इसको हम बाद में डालेंगे ऊपर से। दिया मसाला डालने के हाल बाद हम ढक देंगे। ये ढका है जिससे हमारा मसाला उड़े ना। फिर अब हम खोल के पानी डाल लेंगे इसमें। मसाला डाल दिया है, पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से भूनने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अभी मसाला ही हमारा फ्राई हो रहा है, तो यही कितना टेस्टी लग रहा है और कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो जब हम इसमें अपनी चावल और चने की दाल डालेंगे तो वो कितना टेस्टी लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें दाल डालेंगे, जो हमने बॉईल कर रखी थी दाल, अब हम इसमें वो डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दाल डालना चालू कर दिए। हमने ये कटोरी भर के चावल लिए हैं, ये आप साइज देख सकते हैं। देखिए, अब हम इसका डबल पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक कटोरी पानी डाल दिया है। अभी हम एक कटोरी पानी और डालेंगे। हमने कटोरी में चावल लिए थे, आप चाहें तो किसी और चीज़ में भी ले सकते हैं, लेकिन आप पानी उसी हिसाब से मेज़र करके डालिएगा। ये हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। दाल डालने के बाद हमने पानी डाला है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने चावल को धो के रख लिया है। हमारे चावल अच्छे से हमने धो लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें चावल डालने वाले हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि आपने जब दाल बॉईल की है तब भी आपने नमक डाला है, तो आप नमक थोड़ा कम ही डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमने चावल डाल दिए, ये हमने नमक डाल दिया है क्योंकि हमने पहले अपनी जब दाल बॉईल करी थी जब भी डाल दिया था, इसलिए अब हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ फिर भी जितना हमें चाहिए हम उतना तो डालेंगे। ये देखिए ये कितना लाजवाब सा लग रहा है, इट स्मेल्स वेरी गुड। आप फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप उन्हें लाइक भी कीजिए। फ्रेंड्स, हम इसे 2 सीटी आने तक पकने देंगे, फिर हम आपको खोल के दिखाएंगे कि हमारी कबूली कैसी बनी है। चलिए फ्रेंड्स, वेट करते हैं जब तक का। फ्रेंड्स, हमारी कबूली बन के कितनी अच्छी लग रही है, ये तैयार हो गई है अभी, कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसमें जो हमने प्याज निकाल के रखी थी वो प्याज डाल देंगे। इसको हम ऊपर से प्याज डाल देंगे। चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है खाने के लिए। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी।